हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल टेक्निकल स्टूडियो ENGG में स्वागत है। फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में देखेंगे कि साइक्लोइड कैसे बनाया जाता है। तो अगर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सर्कल डायमीटर। सर्कल डायमीटर मतलब कि हमें दिया हुआ है 60 mm, यानी कि सर्कल का अगर डायमीटर 60 mm दिया हुआ है तो उसकी रेडियस कितनी होगी, 30 mm। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं कैसे बनेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक 30 mm का एक सर्कल बनना पड़ेगा। देखिए बनाते हैं 30 mm का एक सर्कल। 30 cm मीन्स 30 mm। सबसे पहले हमने ले लिया, ये ड्रॉ कर दिया हमने एक 30 mm की रेडियस का सर्कल। इसको हमें इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, और इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना जरूरी नहीं है कि आप कितने पे 8 पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं, 6 पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको आप 8 इक्वल पार्ट्स में करें या तो 12 इक्वल पार्ट्स में करें। तो देखते हैं कैसे 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो ये मेथड सबको आनी चाहिए कि किसी भी सर्कल को हम कैसे उसको 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, ये देखिए, आप देखिए यहाँ पे मिनी ड्राफ्टर लगाया है मैंने, तो कितना इजीली हम इसको 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। और ज्यादा से ज्यादा आप लोग हो सके तो मिनी ड्राफ्टर का यूज करिए। देखिए, अब इसके बाद 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के मेथड सभी को पता होनी चाहिए। सबसे पहले क्या होता है, रेडियस लेते हैं और यहाँ पे कट लगाते हैं, और यहाँ से भी यहाँ कट लगाते हैं, यहाँ से रख के ऐसे कट लगाते हैं, और यहाँ पे रख के ऐसे कट लगाते हैं। ठीक है, आप चाहे तो इधर भी लगा सकते हैं, और यहाँ पे रख के आप इधर भी लगा सकते हैं, यहाँ पे रख के आप यहाँ पर भी, और यहाँ पे रख के आप 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। तो इसके बाद देखते हैं क्या होगा। अब 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ, अब मैं इसको हम 12 इक्वल पार्ट्स में कर लेते हैं। ये देखिए, ये क्या हुआ, 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है आपका सर्कल। इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, और यहीं पे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और हम इसको पहले नंबरिंग कर देते हैं। इसको दे देते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12। अब क्या करेंगे कि हमें यहाँ से एक 12 पॉइंट से एक लाइन खींचनी पड़ेगी, 12 पॉइंट से एक लाइन खींचनी पड़ेगी। तो जो 12 पॉइंट से हम लाइन खींचेंगे तो उसकी डिस्टेंस कितनी होगी, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, उसकी डिस्टेंस कितनी होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उसकी डिस्टेंस कैसे बनाएंगे। तो हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे, सर्कल डायमीटर। तो सर्कल डायमीटर पर के ही डिस्टेंस बनानी पड़ेगी। तो आपको पता है कि सर्कल डायमीटर कितना है, 60 है, और जो सर्कमफेयर इसका पाई यूज करेंगे। तो इसकी लाइन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ये देखिए पाई इंटू 6, ये देखिए कितना आ रहा है हमारा, 18.84। तो 18.84 आ रहा है, तो हम इसको बना लेते हैं 18.85। ठीक है, तो 18.85 कैसे बनेगा, ये देखिए यहाँ पे रखा हमने और हम इसका यूज करते हैं। ये देखिए कैसे बने, ये देखिए हमारा 18.84 का, ये हमारा 18.85 कंप्लीट हो चुका है। तो अब ये देखिए, अब इसके बाद क्या होगा, ये हमारा क्या हुआ, 18.48 की बन गई क्या, एक लाइन। अब इसको हमें आगे बढ़ने से पहले क्या करना पड़ेगा, अब देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर आपने इस सर्कल को 12 इक्वल पार्ट्स में किया है तो आपको इस लाइन को भी 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। अगर आपने इसको 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया तो आपको इस लाइन को भी 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैंने इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, 12, तो मुझे इस लाइन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, 12। तो 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए क्या, आप सभी को किसी भी लाइन को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने की मेथड पता होनी चाहिए। तो ये भी मैं बताता हूँ कि कैसे किसी भी लाइन को 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक आप किसी ये लाइन खींच लीजिए यहाँ से, और किसी भी
यहाँ पे डिवाइडर में लीजिए और कितना भी आर्क लेके आप 12 आर्क काट दीजिए। मैं काटता हूँ 1, 2, 3 ऐसे करके आप 4, 12। ये देखिए मैंने 12 इक्वल आर्क कैसे काट दिए, 12 इक्वल का आर्क। अब इसके बाद क्या करना है, 12 इक्वल आर्क को काटने के बाद जो हमारा ये पॉइंट है इसको हमें इससे कनेक्ट करना है और उसके पैरेलल सारी लाइंस को, पैरेलल सारे पॉइंट्स को यहाँ से कनेक्ट करना है। देखिए देखिए ये 12th को हमने इससे कनेक्ट कर दिया, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, हमने क्या किया कि इसके पैरेलल सारी लाइनों को खींच लिया। अब इसके बाद क्या करना है, अब देखिए इसके बाद क्या होगा, इसके बाद अब हमें ये जितने भी आपको पॉइंट्स दिख रहे हैं इन सभी पॉइंट्स में से हमें ऐसी स्ट्रेट लाइन खींचनी है। ये देखिए कैसे होगा, 1 पे रखा और 1 और ये देखिए 1 और 9 जो यहाँ पे 11 है एक ही पॉइंट पे जाएगा, वैसे ही 2 और 10 भी एक पॉइंट से जाएगा, उसी तरीके से ये भी उसी तरीके से वहीं से जाएगा, और 4 और 8 भी एंड 5, 7 एंड 6। अब देखिए ये हमने क्या किया, लाइन बना ली सारी। अब क्या करना होगा हमें कि ये जो हमने ये और ये पॉइंट्स हमने किए हैं इसको हम सेंटर है ये सर्कल का, तो हम इस पॉइंट्स को ऊपर नाम दे देते हैं। कैसे, ये जैसे यहाँ पॉइंट है तो यहाँ पे C1, C2, C3, ये C4, C5। ये देखिए हमने क्या किया, सभी को पॉइंट्स दे दिए, क्या हो गया C1, C4, C5, C6, C7, C8, C9। तो हमने क्या किया कि इन्हें इक्वल ये पॉइंट्स दे दिए। अब इसके बाद क्या करना होगा कि हमें यहाँ पे बस इतना ही आपको समझना जरूरी है कि क्या होगा, बाकी इसके बाद आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा कैसे बना। बस हमें क्या करना है कि ये रेडियस लेनी है हमें, ये देखिए हमने रेडियस ली, कितनी रेडियस ली, जो दी हुई है हमें डायमीटर की हाफ रेडियस 30 mm हमने ली और पॉइंट सी वन पे रखते हैं। यहाँ पे समझने वाली है, पॉइंट सी वन पे रख के हम किसको कट करेंगे, 1 वाली लाइन को। ये देखिए यही समझना सबसे ज्यादा मेन है, हमने कहाँ पे रखा, किस डिस्टेंस को लिया, इसको लिया और सी वन पे रख के आर कट किया। उसी तरीके से अब वो जो डिस्टेंस हमने ली उसको फिक्स रखनी है और वैसे ही जिस पॉइंट पे रखेंगे उसी लाइन को हमें कट करना है। कैसे, देखिए हमने C1, C2 पे रखा और 2 पॉइंट को कट कर दिया, इसी तरीके से हमने 3 पे रखा और C3 को कट कर दिया, 4 पे रखा और 4 को कट किया, C5 पे रखा और 5 को कट कर दिया, 6 पे रखा और ये यहाँ पे कट कर दिया, 7 पे रख के 7, 8 पे रख के 8 लाइन को, ठीक है, C9 पे रख के हमने 9 वाली लाइन को, और C10 पे रख के हमने 10 वाली लाइन को, ये देखिए 10 वाली लाइन को क्रॉस कर दिया, C11 पे रख के 11 वाली लाइन को, और C12 पे रख के ये देखिए यहाँ पे आ गई है बिल्कुल इक्वल, ठीक है। तो ये हमने क्या हुआ, हमारे बहुत सारे पॉइंट्स मिल गए। अब इन्हें हम नाम दे दें, ये P हो जाएगा, तो ये P1, ये पॉइंट P2, ये पॉइंट P3, ये पॉइंट P एंड यहाँ पे P9, P10, P11 और ये पॉइंट P12। तो आपको देखिए पॉइंट मिल गया। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हमें फ्री हैंड ज्वाइन करना पड़ेगा। फ्री हैंड देखिए हम कैसे ज्वाइन करते हैं, ये देखिए यहाँ से शुरुआत हुई, ये देखिए और बिल्कुल एक हमें क्या मिल जाएगा, ये देखिए हमें क्या मिल गया, एक हमें क्या मिल गया, साइक्लोइड मिल गया। और इसको जो हमें ये हमें मिला है इसको हमें सबसे डार्क करना पड़ता है पूरी ड्राइंग में। ये ईडी में है कि हमें जो चीज अचीव करनी होती है उसे हमें सबसे डार्क बना पड़ता है। तो ये देखिए आपको दिख रहा होगा पूरा डार्क बना देते हैं। अब इसके बाद
एक चीज मैंने आपसे और बोली थी कि हम इसमें देखिए टेंजेंट और नॉर्मल कैसे ड्रॉ करते हैं, ये जरूरी होता है टेंजेंट और नॉर्मल ड्रॉ करना भी। तो हमें सबसे पहले टेंजेंट और नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए हमें वही सर्कल की रेडियस देखेंगे कि टेंजेंट और नॉर्मल कैसे ड्रॉ किया जाता है। तो सबसे पहले टेंजेंट और नॉर्मल ड्रॉ करने की मेथड है कि सबसे पहले हम क्या लें, इसकी डिस्टेंस ले लेते हैं, रेडियस ले लेते हैं, और रेडियस लेने के बाद हम यहां से क्या करते हैं, एक आर्क कट कर देते हैं। ये देखिए हमने यहाँ पे एक आर्क कट कर दिया यहाँ पे रख के, इस पॉइंट को हम क्या नाम दे देते हैं, हमने कहाँ से कट की है, यहाँ से, तो इसको एम दे देते हैं और ये पॉइंट हमें मिल गया। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद हम यहाँ से एक परफेक्ट 90 पे, इस पॉइंट से परफेक्ट 90 मेरे पास देखिए मिनी ड्राफ्टर इसलिए कितना इजीली परफेक्ट 90 बन गया, लेकिन अगर नहीं आप मिनी ड्राफ्टर यूज नहीं कर रहे तो आपको सेट स्क्वायर का यूज करके और इस तरीके से आपको क्या बनाना है 90 पे। अब इसके बाद क्या होगा, इसको हम एन दे देते हैं। अब क्या होगा कि इस एम और एन को हमें ज्वाइन करना होगा। ये देखिए कैसे ज्वाइन करते हैं एम, ये हमने क्या किया एम और एन ज्वाइन कर दिया, तो हमें ये क्या मिल गया, एक लाइन मिली। इसी को कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, नॉर्मल। और टेंजेंट कैसे ड्रॉ होगी, इसी के परफेक्ट 90 पे। ये देखिए परफेक्ट 90 कैसे बनेगा, ये देखिए ये और ये देखिए ये हमारा क्या हो गया, टेंजेंट और नॉर्मल भी ड्रॉ हो गई। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और अगर आप आगे भी ईडी से रिलेटेड और वीडियोस चाहते हैं टॉपिक्स पे तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। थैंक यू।